फोन निकालो 1 2 3 पकड़ अच्छे ना, अच्छे अच्छे दो तो मैम सेंटर में देखिए दिया जी, सेंटर ये जी बेटा तुम्हें एक सोलो करते हैं, बाद में करते लू क्या चला ग्रुप होता था। अरे तुम करते हो भाई, तुम लोग क्या बोल क्या बोले, अभी हम थोड़ी बोलेंगे। चलो चलो, अरे अपन जैसा बोलेगा वैसा होता है भाई। लेकिन उन्हें सुन रही है ना सर, थोड़ा आइए मैम, थोड़ा सब होता है, तुम लोग बोलना चाहिए। और पीछे आ जाओ ना सर, और पीछे अरे भाई मैं लू क्या, क्या कैमरा दिया ना भाई, कैमरे बंद कर रहा है। मैं सोलो, अरे रुक जा, अच्छा सॉरी। चलो यार का सोलो, यू क्या प्लीज सेंटर सेंटर खराब हुआ है इधर देखा ही नहीं, इधर सेंटर में आगे मत जा बेटा, बस सेंटर पॉइंट यहाँ से आना भाई, यहाँ से यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, इतना अच्छा अच्छा वो है। पीछे पीछे रहो, हाँ सब आगे जाने, प्रॉपर मिलता नहीं है, जानता ना पहले, जाने दो जाने दो। हाँ दूसरे सोल ग्लास तो बंद किया, हाँ भाई थैंक यू थैंक यू। बेटा जाओ बेटा,
a surprise for you. तो पिछड़ो भाई पिछड़ो अशु पाटी अशु एवरीवन लुक हियर प्लीज या अगेन अगेन सोलो 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 एक्सक्यूज मी ए आगे जी एक साथ में करते हैं ना कैसा फोटो है क्या क्लियर करना तेजस पीछे क्लियर कर वेट 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 आगे जाते हैं लेफ्ट में आगे जी रुकिए एक लुकियो इधर इधर मैडम यहाँ पे देखा ही नहीं रखे जी लुकियो प्लीज मैडम यहाँ पे रखे जी यहाँ पे या 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 प्लीज सेंटर सेंटर लुकियो मैडम यहाँ पे बाजू में लगे जी अपने राइट में एक बार दिया जी को तेजस दिया दिया मैम का एक फॉलो करते हैं producer and founder of Ek Saath the Earth Foundation, Pragya Kapoor, who's always given us great help and support in everything that we have done. So, now is the moment where we can cut the ribbon. Come on. Trust me. Your hand on my hand. दिया जी आपका फेस हट गया दिया जी आपका फेस फेस नहीं दिख रहा दिया जी आपका फेस हट गया शुक्रिया हाँ ये मोबाइल को है हेलो यस रेडी रेडी गो चलो बस आ जाओ सेंटर सेंटर में कम डाउन हियर सेंटर हियर मोबाइल मोबाइल नेक्स्ट वी कैन हैव मानसी गिव अ समथिंग टू दिया हां हां परफेक्ट या मैम हियर सेंटर हियर डाउन मैम थैंक यू सो नाउ इफ वी कैन हैव फिशियल एवरी सो थैंक यू टू संजय गुप्ता सर Gentleman is the person who's on ground with us, yes. And he is the guy. I mean, with the PNC PC, Cutter or Dirty, call him. Next, we can have Shubham. Oh, iska. Again, iska. Abhi bolna hai idhar. Center, badi karna. Center ka. भाई बाइट बाइट ठीक है ना क्या कर ले डन 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 डन
एंड सेंटर सर अनु क्या चला चला वेलकम टू काटे रोड प्रज्ञा आप शुरू करो. तो ये बेंचेस बने हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन वेस्ट से जो यहाँ काटे रोड पे डंप हुआ था लॉकडाउन के दौरान. और एक टीम है यहाँ पे जो हर सैटरडे आती है और यहाँ पे क्लीन अप करती है. इट्स कॉल्ड द काटर क्लीन अप ग्रुप एंड दे हैव बीन क्लीनिंग दिस बीच फॉर मोर देन 75 weeks नाउ आई थिंक 75 weeks. एंड एक बहुत ही बड़ी समस्या थी ये हमारे लिए कि ये जो यहाँ पे डेब्री है इसको हम कैसे हटाएं एंड कैसे करके लोगों से मदद लेके बीएमसी से मदद लेके करके करते हमने एक ग्रुप बनाया. सारा जो डेब्री था देयर वाज सम मोर देन 36,000 किलोज ऑफ डेब्री ऑन द बीच व्हिच वी देन गॉट रिमूव्ड एंड देन वी सेंट इट फॉर अपसाइक्लिंग. एंड आज ये बेंचेस बन गए हैं तो कोई भी यहाँ काटे रोड पे आ सकता है, एंजॉय कर सकते हैं और बीच को देख सकते हैं, पानी को देख सकते हैं. सो या मैं बहुत खुश हूँ आज क्योंकि हम हमेशा इस बात को मानते हैं कि अगर हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी हो तो हर एक इंसान को आगे बढ़ना पड़ेगा और हम सबके काम से, हम सबके कॉन्शियसनेस से ही बदलाव आ सकता है. और जो काटर क्लीन अप पिछले 75 वीक से कर रही है वो उसी बात का एक एग्जांपल है. और ये जो बेंचेस आज बनी हैं और यहाँ पर आई हैं वेस्ट, द मेट्रो वेस्ट हैंडलिंग कंपनी हैज़ मेड दीज बेंचेस आउट ऑफ वेस्ट, डेब्री वेस्ट दैट वाज कलेक्टेड हियर, इलीगल डेब्रीज दैट वाज कलेक्टेड फ्रॉम हियर. 35,000 किलोज ऑफ इलीगल डेब्री वेस्ट वाज कलेक्टेड. वी हैव स्टिल अ लॉट ऑफ वेस्ट टू कलेक्ट. बट ये एक उदाहरण है वेस्ट टू वैल्यू का, जहाँ पे हम अगर चाहे तो वेस्ट कलेक्ट करके उसका वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं. इट्स अ एग्जांपल ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी, इट्स एन एग्जांपल ऑफ एग्जेम्पलरी वेस्ट मैनेजमेंट एंड इट्स एन एग्जांपल ऑफ एग्जेम्पलरी सिटीजनशिप. इसे ही कहते हैं सिटीजनशिप, जब हम जहाँ पर भी रहते हैं उस जगह का एक अपनापन हो, उस जगह को हम सुरक्षित रखे, साफ रखे और उस जगह की जो वैल्यू है उसे बढ़ाए. हाँ, होपफुली बनेंगी. आई थिंक दिस इज अ ग्रेट स्टार्ट. वी मैनेज टू मेक 5-6 बेंचेस. होपफुली वील मेक मैनी मोर, बट होपफुली इट विल ऑल्सो इंसेंटिवाइज पीपल एंड गवर्नमेंट्स टू use this as an example and replicate this model across the country. क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे areas हैं जो public areas है, natural environments है जो प्रदूषित है, polluted है with waste and debris, and if we can create value out of it and do something meaningful, this is a great start. I honestly am a very big believer that personal action counts and every one of us can make a difference. I think what Ek Saath Foundation is doing by empowering people like groups like Kata Cleanup is a great example of how all of us have a part to play and how all of us can make a difference. I find a way to contribute whenever and however I can, and I think each one of us can do the same. Aaj aap yahan aaye hain, ye aapka contribution hai, ye aapka sahyog hai. आप अगर इस मुहिम को आगे और ले जाएंगे, वापस आते रहेंगे हर सैटरडे देखने के लिए कि कितनी सुंदरता से और कितनी खूबसूरती से और अच्छाई से और अपनेपन से यहाँ पे सफाई होती है, तो इनको और भी बढ़ावा मिलेगा. लेकिन उसके अलावा देर आर सो मेनी वेज टू टेक एनवायरमेंटल एक्शन. आपके रोज़ाना ज़िंदगी में आप कौन से चॉइसेस बना सकते हैं? कैन यू बिकम मोर
कॉन्शियस अबाउट योर कंजम्पशन. क्या आप प्लास्टिक का उपयोग करना बंद करेंगे? क्या आप अपने घर पे वेस्ट को बेहतर मैनेज करेंगे? ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सब कर सकते हैं. Honestly, Pragya and I are both producers, and we would say that whoever has come to us during the lockdown and after, we've helped. And I know this for a fact. And I think there is very strong associations within the industry. I know there are also some big companies that have come forward to facilitate and help such people. और वो काम होता रहेगा. मैं ये बहुत गर्व से कहती हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में जितनी इंसानियत दिखाई देती है और जितना लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं, वो शायद ही किसी और इंडस्ट्री में. थैंक यू. Isn't it a fact? Yes, ready. And thank you for everything. Thank you so much. I'm honestly, I'm embarrassed. But in the dead of the night, come and sit here. But honestly, this is the best legacy we can change. Yes. And nothing makes me happy. So thank you for the work you guys are doing. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. तो बड़े भी लाते हैं, तो बड़े भी मिलना चाहिए.